भाईजान सिकंदर यानी कि सलमान खान की फिल्म रेस 3 अब रिलीज हो चुकी है दोस्तों, और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और सलमान की इस फिल्म की तारीफों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज इसे अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल। अब बॉबी देओल के भाई सनी देओल ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है, और उन्होंने बॉबी देओल के लिए प्यारी सी बातें ट्विटर हैंडल पर लिखी। सनी देओल ने लिखा, मेरे प्यारे भाई, आज से 17 साल पहले इसी तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हुई थी गदर एक प्रेम कथा। मैं आशा करता हूँ रेस 3 भी वैसा ही एक इतिहास बनाएगी। पूरी टीम को मेरी तरफ से प्यार और बहुत सारी आशाएं। सनी देओल ने रेस 3 की पहले भी तारीफ की थी और कहा था कि सलमान की ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है, ट्रेलर देख के ही पता लगता है। और सनी पाजी का ये नया ट्वीट भी अब आपने देख ही लिया होगा। आपको बता दें, सनी के इस ट्वीट पर अनिल कपूर ने कमेंट करते हुए कहा, सनी पाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि आशाओं पर खरे उतरेंगे। और आपको बता दें, रेस 3 में बॉबी देओल का एक अहम किरदार है जो कि फिल्म में आपको काफी पसंद भी आने वाला है। दोस्तों, फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अपने पहले दिन काफी धमाकेदार कमाई भी करने वाली है। सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, बॉबी देओल, शाकिब सलीम जैसी स्टार कास्ट से भरी हुई ये फिल्म काफी ज्यादा तारीफ काबिल है और एक्शन से भरपूर है। अब देखना ये होगा कि 15 जून को ईद के मौके पर रिलीज हो के ये कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे तो भाईजान की हर फिल्म एक नए रिकॉर्ड कायम करती है, अब रेस 3 से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सनी देओल का रिएक्शन कैसा रहा और रेस 3 फिल्म कैसी साबित होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब दें, सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए, और बेल आइकन दबाइए क्योंकि अपडेट आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।